एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीयरफुल पॉइंट में। आज मैं आप सभी को मेरी मम्मा का टेरेस गार्डन दिखाऊंगी, जो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था। इस टेरेस गार्डन में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर हमने कौन से वेजिटेबल्स, हर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रो किए एंड ऑल्सो फ्लावर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई टेरेस गार्डन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिबिस्कस के साथ। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। गुड़हल को हम शू फ्लावर भी कहते हैं। सो शू फ्लावर के साथ है ब्रिंजल। ब्रिंजल या एग प्लांट, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ब्रिंजल भी ग्रो करना स्टार्ट हो गए हैं। सो ये हमारे घर के हैं, टेरेस गार्डन के हैं। ब्रिंजल के साथ है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर यानी कि ओकरा। ओकरा ये एक श्रब है और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी लेडी फिंगर ग्रोथ नहीं हुई है अच्छे से, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ है मिंट, पुदीना, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये है वाइन, मनी और कुकुम्बर। ये भी घर का फ्रेश में जो मज़ा है ना, वो बाहर में नहीं है। कुकुम्बर के साथ है अगेन कॉमन बीन। कॉमन बीन, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है हमारे घर में छोटे से पॉट में, एंड इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और बीन्स भी बहुत सी ग्रो हो चुकी हैं। अगेन हमने ब्रिंजल, ब्रिंजल एंड हिबिस्कस का पौधे लगाए हैं। अगेन लेडी फिंगर एंड दिस इज ऑयल ट्री, जिसे हम शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। ये फिर से हिबिस्कस है जिसमें भी फ्लावरिंग होनी है। देन अगेन लेडी फिंगर, वो देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, फ्लावरिंग भी हो गई है, अच्छे से अभी ग्रो नहीं हुई है। ये बहुत ही सुंदर है मॉसेस एंड क्रेडल हर्ब। ये 1 फुट तक ग्रो कर जाता है और बहुत सुंदर लगता है। ये है सदा सुहागन पेरीविंकल, जिसके बहुत से फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, डायबिटीज, सोर थ्रोट एंड कैंसर। ये रेड रोज, रोजेज आर ऑलवेज विद मी। देन माय फेवरेट करेली। करेली मैं अपने नानी के घर से लेकर आई थी हिमाचल से, एंड ये 2-3 साल पुराना है। एंड हम इसे ढोकला एंड ऑल में यूज करते हैं अपने घर का। देन ये ग्रीनरी के लिए, एंड इसमें भी फ्लावरिंग होती है लेकिन अभी फ्लावरिंग हुई नहीं है। देन एलोवेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम इसे डेली यूज करते हैं मेरे पापा स्पेशली, और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये हमारे तुलसी के पौधे हैं, अगेन बहुत ही ज्यादा फायदे हैं इसके, और ये हम भोग के लिए भी यूज करते हैं ठाकुर जी को, बहुत ही खूबसूरत। ये हमें एक अलग साइड में रखते हैं। सो ये आर रेड रोज एंड एवरग्रीन प्लांट्स, हैप्पी प्लांट एंड डम्पी। ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं और इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं रखना है। एंड लास्ट ये है ग्रीन चिलीज, जिसमें बहुत सी चिलीज हैं। सो ये था हमारा टेरेस गार्डन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा आपका फेवरेट पार्ट, और कोई भी सजेशन हो तो आप वो भी लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।